जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज जानेंगे कि आटा चक्की टकाई के बाद हम जब भी फिट करके चालू करते हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आता है। तो दोस्तों वो आवाज़ ना ही कोई बेरिंग का होता है, ना ही साफ्टिन का होता है, ना ही पुली का होता है। वो जब भी हम टकाई करते हैं तो वो तेज़ आवाज़ आता है, तीखा आवाज़ आता है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे प्रश्न ये पूछते हैं कि भाई मेरी चक्की जब टकाई करके फिट करता हूँ और फिर चालू करता हूँ तो बहुत तेज़ आवाज़ आता है। तो भाई इसमें दो प्रकार के आवाज़ होते हैं दोस्तों। अगर आपका आपकी चक्की ज़्यादा बहुत ही तेज़ आवाज़ कर जिससे हमें भी परेशानी हो रही है, ग्राहक को भी पता चल रहा है कि ये बहुत आवाज़ तेज़ आ रहा है और इस चक्की में कुछ प्रॉब्लम होगी, इस तरह का आवाज़ आ रहा है, तो भाई उसे देखना ज़रूरी है और उसे फिर से सेटिंग में लेना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका आटा भी मोटा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा रफ आ रहा है और भूसी भी ज़्यादा निकल रही है तो उसे सेटिंग में लेना ज़रूरी है। और रही दूसरी बात दोस्तों, तो दूसरा आवाज़ उस तरह होता है अगर हमने टकाई की और फिर फिट की और फिर चालू की दोस्तों, और वो आवाज़ नॉर्मल आवाज़ है, जाने तेज़ आवाज़ तो है पर नॉर्मल आवाज़ है, पर हमें ज़रा डर लगता है कि यार इतना तीखा आवाज़ क्यों आ रहा है, इतना तेज़ आवाज़, बहुत ज़्यादा तो आवाज़ नहीं है पर तेज़ आवाज़ क्यों आ रहा है। तो भाई अगर आप वो आवाज़ उस आवाज़ से आप भाइयों परेशान हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने तेज़ टकाई की है थोड़ी तो वो आवाज़ थोड़ा आएगा ही। अगर आपका आटा मोटा नहीं आ रहा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके आटे में छलनी में जो कचरा निकलता है, जो भूसी निकलती है, वो नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टकाई के बाद थोड़ा तेज़ आवाज़ आता ही है, एक से दो दिन तक वो इतना आवाज़ आएगा, उसके बाद वो नॉर्मल आवाज़ हो जाएगा, उसके बाद तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर वो आवाज़ नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत है, अगर थोड़ा बहुत भी तेज़ आवाज़ नहीं आ रहा आपने टकाई की है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, वरना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका थोड़ा भी आवाज़ नहीं आ रहा, तेज़ या ना तीखा आवाज़ नहीं आ रहा दोस्तों, तो समझ लीजिए आपकी टकाई बराबर नहीं हुई। आपने टकाई जो सही की है, और आपकी टकाई जो अगर 10 दिन या 12 दिन चले उस तरह की आपने की है, या महीना दिन चले तो उस तरह की है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसमें थोड़ा तेज़ आवाज़ आएगा ही, तभी आपकी चक्की इतना लॉन्ग टाइम लंबा टाइम चलेगी, वरना नहीं चलेगी अगर आपका आवाज़ बिल्कुल ही तीखा आवाज़ नहीं आ रहा। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के भाइयों के सवाल था कि भाई हमारा तेज़ आवाज़ आए तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर तेज़ टकाई की तो उसकी वजह से आपकी चक्की में तेज़ आवाज़ आ रहा है, और तेज़ आवाज़ आना ज़रूरी है क्योंकि आवाज़ की वजह से ही दोस्तों। खास करके आपको बता दूँ, ये बात आपको सुनने की है और ये आपको समझने की है, आपकी चक्की में जब भी आप पिसाई करोगे दोस्तों, अलग अलग गाला फिराओगे, जैसे कि अभी बाजरे का पीस रहे, फिर चावल का पीस रहे, फिर हम गेहूँ का पीसेंगे, यानी फिर हम मकाई का पीसेंगे, इस तरह अलग अलग जो हम प्रेस मारते हैं दोस्तों, तो हमें आवाज़ से ही पता चलता है, और आवाज़ से ही हमें पता चल जाता है कि कितना हमें प्रेस मारना है और कितना हमें प्रेस छोड़ना है, कितना कम करना है दोस्तों। तो आवाज़ की वजह से ही आपकी चक्की में आपको पता चलेगा, जैसे कि भाई वो देख लो, अभी भी कन्फ्यूज़न मत बढ़ाना आपकी दोस्तों, क्योंकि मैं आवाज़ जिसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे जो दोनों पत्थर टकराते हैं और फिर तेज़ आवाज़ आता है उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि हमारा बेरिंग का आवाज़ आता है, साफ्टिन का आवाज़ आता है, पुल्ली का आवाज़ आता है, या पत्थर की कोरे चढ़ी हुई होती है तो आमने सामने दोनों टकराते, दोनों पत्थर की कोरे ऊपर की जो बॉर्डर चढ़ी हुई थी उसका आवाज़ आता है, तो उसकी आवाज़ में की बात मैं नहीं कर रहा, उसका आवाज़ अलग होता है, जो अलग प्रकार का होता है, जिस तरह बेरिंग फेल हो जाता है उस तरह का आवाज़ आता है, उस तरह का नहीं, तीखा आवाज़ तेज़ आवाज़ जो पत्थर घिसने का आवाज़ आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर नॉर्मल है तो। अगर आपका ज़्यादा या मोटा या भूसी वाला आटा निकल रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है, तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत है, और उसे फिर से आपको एक बार ही आपको सेटिंग में लेनी होगी, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर देसी पत्थर है तो पानी से, अगर एमरी पत्थर है तो आपको रेती से लेनी होगी दोस्तों, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा बहुत तेज़ भी हो जाता है, अगर आपको पत्थर को फुल खाली फिरा के, जो आप अनाज नहीं डालेंगे इस तरह ही फिरा के फुल घिस डालोगे तो भी चलेगा, अगर आप सेटिंग में लेने नहीं चाहते, अगर वो आ जाती है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घिसने से आ जाएगी तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपकी मोटा आ रहा है दोस्तों तो आपको फिर से सेटिंग में लेनी पड़ेगी, अगर आपका नॉर्मल आवाज़ है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ मेरे भाइयों, एक खास करके बात ध्यान रखना कि जब भी आप टकाई करें तो अपना माप, जो टकाई का माप होता है, वो अपने माप को याद रखें कि हमें किस माप से, किस साइज़ की हमें टकाई करनी, किस तरह में टकाई करनी, उसी तरह हम हर बार एक ही तरह हमें टकाई करनी है, जिस तरह हमें रोज़ करते उसी तरह हमें टकाई करनी है। अगर आप
किसी भी टेंशन में या विचार में कुछ भी टकाए करोगे दोस्तों और आगे पीछे कहीं काम हो गई तो कम चलेगी चक्की, और ज़्यादा हो गई तो हमको बहुत ही रफ आएगा और भूसी भी ज़्यादा आएगी दोस्तों। तो हमें आपको अपने पत्थर के हिसाब से दोस्तों हमें टकाई करनी है, और याद रखना है कि भाई इस तरह ही मैं टकाई करूँगा। अगर जिस पत्थर में हमें ज़रूरत है टकाई की ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा करने की, अगर कम टकाई की ज़रूरत है जिस पत्थर में उससे कम करने की, और हमें नाली भी देख लेने की और पेथे भी देख लेने के, और पार्ट जो पार्ट पर अगर आप लिटी करें तो उसके भी देख लेने का है। अगर ज़्यादा हमारी जिस नाली को ज़रूरत है उसी नाली को ज़्यादा हमें टकाई करनी है, घिसाई करनी है। अगर जिस नाली को, जिस पेथे को हमें ज़रूरत नहीं, जिस पार्ट को हमें ज़रूरत नहीं, तो उसे हमें छूना ही नहीं है, उसे रख देना है, उसे नेक्स्ट टाइम के लिए हमें रख देना है दोस्तों। और नेक्स्ट टाइम हमें फिर उस पत्थर पर, उस नाली पर हमें देख के हमें अगर ज़रूरत है तो करनी है। और हाँ दोस्तों, आप यार लाइक यार बहुत कम करते हो, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।